नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन, आशा कि आप सभी सुखी एवं स्वस्थ होंगे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, एक ट्विटर कैंपेन होने जा रहा है कल सुबह 11 बजे 24 जुलाई मंडे को, एंड इसमें रिक्वेस्ट होगी हमारी एसएससी एमटीएस 2022 के जो छात्र हैं, जो एस्पिरेंट हैं, जो कैंडिडेट हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया है एंड जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं कहीं पे एसएससी के किसी एग्जाम में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, रेलवे में या किसी भी अदर एग्जाम में, एंड जिनका रिजल्ट एमटीएस 2022 के एग्जाम के चलते आया है, उसके बाद आया है या उससे पहले भी आ गया बट स्टिल उन्होंने एग्जाम दिया है एंड वो अपना कैंडिडेचर है अब वापस लेना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन जो वापस लेना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस बार एसएससी एमटीएस 2022 में डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, कोई टीयर टू नहीं है, एसएससी डीवी नहीं लेगा, तो सीट वेस्ट होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। ऐसे में सीट कम से कम वेस्ट हो, इस कोशिश के लिए ही ये ट्विटर कैंपेन किया जा रहा है। सभी टीचर्स इसमें मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी तक कोई पार्टिसिपेट करने के लिए अगर नहीं आगे आया है या अपने फॉलोअर्स को उन्होंने नहीं इन्फॉर्म किया है तो प्लीज कर दें, कल सुबह 11 बजे ज्यादा से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेशन हो। आपके एक या दो ट्वीट लगेंगे, मतलब मुश्किल से मुश्किल आप 5-10 ट्वीट भी कर दोगे हर 5-5-10-10 मिनट में तो भी काफी हेल्प लगेगी एंड काफी ज्यादा सीट वेस्ट होने से बच जाएंगी, क्योंकि काफी ऐसे कैंडिडेट है। मान लो सीजीएल 2022 में 36,000 पोस्ट थी आपकी, उसमें काफी ऐसे कैंडिडेट है जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूं कुछ को, तो जो एमटीएस 2022 का एग्जाम जिन्होंने दे दिया है ड्यू टू सम रीजन, क्योंकि उस टाइम तक सीजीएल का फाइनल रिजल्ट नहीं आया था कुछ एग्जाम तक तो, एंड कुछ के बाद आ भी गया था तो उन्होंने एग्जाम दे दिया था बट वो चाहते हैं कि अपना कैंडिडेचर वापस लिया जाए। जैसे मैं हूं, मैंने एग्जाम ही नहीं दिया था क्योंकि मुझे पीएससी मिल गया था, ऑलरेडी मैं एमटीएस सिलेक्टेड भी हूं एंड ऐसे ही मेरे और दोस्त भी हैं जिन्होंने एमटीएस का एग्जाम स्किप किया है सीजीएल 2022 के रिजल्ट आने के बाद, और भी कोई एग्जाम है उनके रिजल्ट आए हैं जैसे आपकी बैंकिंग के हो सकते हैं या काफी और एग्जाम्स हैं, तो वो कैंडिडेट अपना कैंडिडेचर वापस लेना चाह रहे हैं। एंड अगर एसएससी ये पोर्टल ओपन कर देता है, ये ऑप्शन दे देता है कि कैंडिडेचर वापस लिया जा सके, कैंडिडेट शुड हैव द ऑप्शन टू विदड्रॉ एप्लीकेशन फ्रॉम द एग्जाम बिफोर द फाइनल रिजल्ट सो दैट ओनली विलिंग एस्पिरेंट्स गेट द सिलेक्शन। मान लो अगर 1000 कैंडिडेट्स भी ऐसे हैं जो सिलेक्शन ले लेंगे जिनके मार्क्स हैं और वो अपना कैंडिडेचर वापस ले रहे हैं एंड उनका ये पोर्टल ओपन हो जाता है, ऑप्शन ओपन हो जाता है, तो 1000 ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट्स को या जो ऐसे कैंडिडेट्स को जॉब मिलेगी जो चाहते हैं कि उनको ये जॉब मिल जाए एंड उनके पास जॉब नहीं है, तो सभी पार्टिसिपेट करें ज्यादा से ज्यादा। एंड मेरे जो भी सीनियर टीचर्स हैं, फेलो यूट्यूबर्स हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये शुभम जैन जी ने बनाया है ये फॉर्मेट सारा, एंड उनका धन्यवाद भी मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने ये फॉर्मेट बनाया है। ऐसे में आप सभी साथ आएंगे तो कैंडिडेट्स की दुआएं भी लगेंगी एंड सपोर्ट भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, आपके चैनल की थोड़ी बहुत ग्रोथ और बढ़ेगी अगर आप इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाओगे तो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलके सारे पार्टिसिपेट करेंगे हम सब, जितना हो सकेगा जिससे उतना ट्वीट्स करेंगे एंड फायदा ही होगा इससे हमारे साथियों का, जो आने वाले साथी हैं उनको गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगी एंड उनकी मेहनत सफल हो पाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, डायरेक्टली आप स्क्रीनशॉट लेके भी शेयर कर सकते, मैं ये नहीं कह रहा लिंक से ही शेयर करें, जहां पे आप लिंक से शेयर कर सकते जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।